हेलो एवरी वन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने क्या करना है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इसको क्या करना है सॉल्व। ठीक है, देखो यहाँ से, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स सो ऑब्टेन। आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर फर्स्ट, 500 का आप क्या निकालोगे, एलसीएम। एलसीएम इन द प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करोगे, 2 2, ठीक है, 2 1 2, देन 5, यहाँ से 5 2, देन 5 5 5 0 देन 5 1। तो 500 को आपने क्या लिखा, 2 × 2 × 5 × 5 × 5, पेयर बना लो। पेयर से जो एक्स्ट्रा बच गया वही ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 500 बाय 5 वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब अगर ऐसा करने से मेरे को परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा है तो मैंने क्या किया, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी। आपको अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 5 से, 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × एक और 5 आ जाएगा, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 2500। स्क्वायर रूट निकालना है तो पेयर से 1 बाहर, पेयर से 1 बाहर, ठीक है, तो कितना आ गया, 5 5 ज़ा 25 25 2 ज़ा 50, सो आंसर विल बी 50। ओके, सिमिलरली वी हैव टू सोल्व इट्स पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में आपके पास क्या है, देखो ध्यान से, 2 3 5 2 2 3 5 2 कर दो सोल्व, 2 1 2 1 2 7 देन 6, 2 5 then 2 8 then 2 8, ठीक है, यहाँ से 2 2 ज़ार 4 2 9 then 4 then 2 1 2 4 then 7 3 4 9 7 7 7 1 ज़ार 7। तो कितना आ गया, 2 3 5 2 can be written as 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 7, जो पेयर से बाहर है, पेयर से बाहर क्या है, 3। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 3 5 2 बाय 3 वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका मतलब इसको भी 3 से कर दूं और इसको भी 3 से कर दो, सो 3 × 2 3 5 2 = 2 × 2 × 2 × 2, जो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी करूँगी, एक 3 मेरे पास अवेलेबल है, दूसरा 3 मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। तो यहाँ से बना, देखो ध्यान से, 3 2 ज़ार 6 3 5 ज़ार 10 3 2 3 3 ज़ार 9 और 1 10 देन 3 2 ज़ार 6 और 1 7 3 5 ज़ार 15, सॉरी। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालो कि तो कितना हो जाएगा, 2 2 3 एंड 7, इट मींस 84 विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी आपने सेम काम करना है, 1458 पार्ट नंबर 3 कर दो सोल्व, 2 5 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा देन 2 9 ज़ा 3 2 4 देन 3 3 8 1 3 2 देन 7 3 9 3 3 3 1, पेयर बना लो यहाँ से। ठीक है, पेयर के अलावा क्या बचा, 2। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 1458 विद 2 वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 1458 × 2 = 2, इसको भी 2 से करूँगी तो 2 × यहाँ से 2, ये 3, यहाँ से ये वाला 3,
फिर थ्री और ऐसे थ्री, ठीक है, पेयर बना दो। तो यहाँ से 2 8 16, 2 5 10 और 1 11, 1 2 4 8 और 1 9, 2 1 2, इसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो यहाँ से पेयर से वन टर्म बाहर आएगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, सो आंसर विल बी 54। ओके, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर फोर। पार्ट नंबर फोर आपका क्या कह रहा है, 1200 कर दो सोल्व सेम मेथड से। 1200, 2 6, 2 3, 2 1, ठीक है, 2 7 5, देन 3 1 5, 3 5, 5 1, ठीक है, पेयर बनाया। पेयर के अलावा एक्स्ट्रा क्या बचा, 5, ठीक है, सबके पेयर बन गए, पेयर के बाहर क्या बचा, 5। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1200 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 5 से। इसको 5 से करूँगी तो जो इसके फैक्टर्स हैं उसको भी 5 से करूँगी, तो कितना आ जाएगा, जहाँ 5 लिखा हुआ है उसी के साथ एक और 5 लिख दूँगी, तो कितना आ जाएगा, 5 × 5, तो ये बन गया, ठीक है, 12 5 600, तो ये कितना बन गया, यहाँ से ये ऐसे पेयर बन गया, तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, ठीक है, सो आंसर विल बी 60। नेक्स्ट आपके पास क्या है, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है, 81008 कर दो सोल्व सेम मेथड से। 1008, 2504, ठीक है, 22, देन 5, देन 7, 2204 बच गया, 1 2 5 10, देन 2204 2 आएगा यहाँ पे, 2 1 जा, 2 2 जा, देन 2 6 जा, 2 6, देन 3, 3 2 1, 3 7, 7 1, बना दो पेयर। पेयर के अलावा क्या बचा, 7, तो क्या लिखोगे, 7 से मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं इसको 7 से करूँगी तो इसको भी किससे करूँगी, 7 से। जो इसके पेयर बने हुए हैं उनको भी लिखो और उसके साथ एक और 7 लिख दो, ठीक है, तो बन गया पेयर यहाँ से 7 8 56 07। इसका स्क्वायर रूट यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 7, कितना आ गया, 84। सो 84 विल बी योर आंसर। ओके, पार्ट नंबर 6 आप लोग खुद करके मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। आंसर क्वेश्चन है आपके पास 2028, ये आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, ट्राई इट बाय योरसेल्फ, ठीक है, और आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दे। अगर ये क्लियर है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।